नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान तेज हो गया है। लगातार तीसरे दिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में है। आज इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए उदयपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना मतलब इस उम्र में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई इस सभा का वीडियो उन्हें भेज दे, पता चल जाएगा कि उनकी सरकार के जाने का समय हो गया है। शाह ने कहा कि गहलोत का लक्ष्य अपने बेटे वैभव को सीएम बनाने का है। शाह ने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत हत्यारों को तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा और गहलोत झूठ बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं है। वसुंधरा ने कहा कि गहलोत सरकार पूरी 5 साल अपना खुद का उत्थान करने में लगी है। उनके मंत्री खुद मन से ये बात कहते हैं कि सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वसुंधरा ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, लेकिन कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में न आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा सरकार के कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरा सिस्टम पिछले 5 साल में बिगड़ गया है। इससे पहले यहाँ डबल इंजन की सरकार थी। भाजपा सरकार हर काम को जमीन पर उतार रही थी और प्रदेश पहले नंबर पर था।